नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। मेरे एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं बिटकॉइन से संबंधित ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो आज मैं बिटकॉइन से रिलेटेड ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है और आज के दौर में एक बिटकॉइन का मूल्य कितना है इंडियन करेंसी में, ये मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है, यानी ऑनलाइन डिजिटल पैसा है। अब या दूसरे रूप में अगर हम कहें तो बिटकॉइन, बिट का मतलब होता है छोटा सा अंश और कॉइन का मतलब होता है सिक्का। लेकिन बिटकॉइन कोई सिक्का नहीं है, यह एक वर्चुअल टोकन है या एक कोड है। अब यह एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल कॉइन है। यह कोई फिजिकल करेंसी नहीं है। फिजिकल करेंसी का मतलब होता है जैसे हम लोग रुपया पैसा टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हाथों से इसे एहसास कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को हम लोग छू नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेट मनी है, ऑनलाइन मनी है। बिटकॉइन ऑनलाइन तैयार होता है, कंप्यूटर के माध्यम से जनरेट होता है और इंटरनेट के माध्यम से आदान और प्रदान किया जाता है। अब ये डिजिटल करेंसी होता क्या है, डिजिटल का मतलब पहले समझते हैं। डिजिटल का मतलब बस इतना समझ लीजिए, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो उसे हम लोग डिजिटल कह सकते हैं। जनरली होता क्या है, जो हम लोग रुपया पैसा जो भी है वो हाथों से टच करते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ये जो बिटकॉइन है इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ये एक डिजिटल कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी मतलब इंटरनेट ऑनलाइन मनी है। आप लोगों को यह जानकर बड़ा आश्चर्यचकित होगा, आश्चर्य होगा कि आज इंडियन रुपीस में एक बिटकॉइन का कीमत कितना हो सकता है। अगर एक बिटकॉइन है आपके पास तो एक बिटकॉइन का मूल 8.6 लाख रुपीस है। मतलब मान लीजिए दो बिटकॉइन अगर आपके पास है या एक भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लखपति हैं। एक बिटकॉइन का मूल्य होता है 8.6 लाख, सोच कर देखिए। इसीलिए इसका बिटकॉइन का जो मूल्य है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बिटकॉइन लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, लोग बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि बिटकॉइन आखिर कैसे हासिल किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया। तो बस इतना समझ लीजिए कि बिटकॉइन का आविष्कार 2009 साल में इसका आविष्कार किया गया और इसके जन्मदाता जो है, आविष्कारक जो है, उनका नाम है सतोशी नाकामोतो। इसके बारे में ज़्यादा विस्तारित जानकारी तो हासिल नहीं है। खैर, अब बिटकॉइन को हम लोग ओपन सोर्स करेंसी भी कहते हैं, ओपन सोर्स करेंसी। अब ये जानते हैं कि ओपन सोर्स करेंसी होता क्या है आखिर, ये ओपन सोर्स करेंसी क्यों कहते हैं बिटकॉइन को, ये भी देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। जनरली क्या होता है कि जब हम मान लीजिए मेरा अगर स्टेट बैंक SBI में अकाउंट है, तो मैं अगर दूसरे के अकाउंट में जब मैं पैसा भेजता हूँ या पैसा ट्रांजेक्शन होता है, जब भेजा जाता है, तो उसके लिए कुछ पैसा, कुछ ट्रांजेक्शन फी काट लिया जाता है। और ये जो स्टेट बैंक है या जो भी बैंक है, जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है तो मीडिएटर के तरह पे काम करता है, उसमें कुछ टैक्स लगता है, ट्रांजेक्शन फीस करता है। लेकिन बिटकॉइन के मामले में ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए आपका अपना बिटकॉइन अकाउंट है, तो आप एक बिटकॉइन अकाउंट से दूसरे के बिटकॉइन अकाउंट में डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं, सीधे डायरेक्टली दूसरे के बिटकॉइन अकाउंट में बिटकॉइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिटकॉइन भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए या हासिल करने के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता, ये सीधे एक दूसरे के अकाउंट में आप बिटकॉइन भेजा जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। क्योंकि बिटकॉइन को कोई देश
या कोई बैंक या कोई गवर्नमेंट इसे संचालित नहीं करता है, कोई गवर्न नहीं करता है। इसलिए ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। आप एक दूसरे के अकाउंट में बिटकॉइन आसानी के साथ भेज सकते हैं। सिर्फ आपका अपना एक बिटकॉइन अकाउंट होना चाहिए और जिसे भेजना है उसका बिटकॉइन अकाउंट होना चाहिए। और अब मैं आपको समझाता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि बिटकॉइन जब हम भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं चलता है कि किस बिटकॉइन अकाउंट से किस बिटकॉइन अकाउंट में पैसा भेजा गया। इसका जो ट्रांजेक्शन होता है इसके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है और ये काल्पनिक लेन देन है। इसलिए इसे पकड़ पाना या रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट से संचालित नहीं किया जाता है, किसी बैंक से संचालित नहीं किया जाता है। ये जस्ट एक वर्चुअल मनी है, इंटरनेट मनी है। अब हम लोग जानेंगे कि बिटकॉइन को कैसे अर्न कर सकते हैं, यानी बिटकॉइन को कैसे कमाया जाता है। देखिए, इसके कई तरीके हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, बिटकॉइन अर्निंग करने के लिए बिटकॉइन अर्निंग को हम लोग बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। बिटकॉइन अर्निंग को हम लोग बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। और बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए एक हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर चाहिए। मतलब जो कंप्यूटर या लैपटॉप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या जो बाज़ार में उपलब्ध है, उससे बिटकॉइन माइनिंग नहीं हो सकता। उसके लिए अलग सा कंप्यूटर का सेटअप बैठाना पड़ता है, जो कि बहुत ही उसका लागत बहुत है। उसके लिए 5 से 6 लाख रुपये खर्च होते हैं। ये बहुत ही महंगा है। तो देखिए, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आखिर बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे काम होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि जिस कंप्यूटर से बिटकॉइन माइनिंग होता है, उस कंप्यूटर में सबसे पहले तो बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए कंप्यूटर सेटअप किया जाता है। उसके बाद उस कंप्यूटर में बिटकॉइन से संबंधित सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। अब मान लेते हैं कि आपका बिटकॉइन अकाउंट है और आप दूसरे के बिटकॉइन अकाउंट में पैसा भेजते हैं। तो जब आप अपने बिटकॉइन अकाउंट से पैसा भेजते हैं, तब ये बिटकॉइन का जो कैलकुलेशन है, जो प्रोसेसिंग है बिटकॉइन जनरेट करने का, जो प्रोसेसिंग किया जाता है, वह बिटकॉइन माइनर करता है। उसे हम लोग बिटकॉइन माइनर कहते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग का जो काम है, जो कैलकुलेटिंग का काम है, ये बिटकॉइन माइनर जो करता है, ये मीडिएटर का काम करता है। और जब ये प्रोसेसिंग होता है, जब ये कैलकुलेशन करता है बिटकॉइन माइनर, तो जब हम लोग भेजते हैं पैसा, तो बिटकॉइन जब क्रिएट होता है, तैयार होता है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उस सेटअप किया हुआ कंप्यूटर को मिल जाता है। और ये जो छोटा सा बिटकॉइन हिस्सा जो बिटकॉइन माइनर को मिलता है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। वो ना आपके अकाउंट से कटता है पैसा, ना जिसे आप भेज रहे हैं उसके अकाउंट से कटता है। ये सिंपल है। जब हम लोग भेजते हैं तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, या जो उसे हासिल करता है बिटकॉइन जिसे आप भेज रहे हैं दूसरे के अकाउंट में, तो उसका भी कुछ पैसा नहीं लगता, वो फ्री है। और ये जो ऑटोमेटिक जो जनरेट किया जाता है, जो कैलकुलेशन किया जाता है बिटकॉइन क्रिएशन में, प्रोसेसिंग में, तो ऑटोमेटिकली वो बिटकॉइन माइनर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाता है। जो भी अमाउंट आप बिटकॉइन भेजते हैं या जो प्राप्त करता है, उसका ना आपका कोई भी बिटकॉइन कटता नहीं है। और बिटकॉइन माइनर का जो कैलकुलेटिंग है, जो कैलकुलेशन करता है, उसे ऑटोमेटिकली छोटा सा बिटकॉइन का छोटा सा हिस्सा उसे मिल जाता है। और आपका ना कोई पैसा लगता है, ना जिसे भेजते हैं उस और जिसे मिलता है, ना उसका कोई पैसा लगता है, कोई बिटकॉइन नहीं लगता है। और ये जो बिटकॉइन भेजने का जो प्रोसेसिंग का जो काम होता है, बिटकॉइन सेटअप किया हुआ जो कंप्यूटर जो रहता है उसमें, उस कंप्यूटर में बड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन करने, वो जो सेटअप किया हुआ कंप्यूटर है बिटकॉइन माइनिंग के लिए, उसमें जो कैलकुलेशन होता है, वो बड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन करने में सक्षम होता है। और ये जो सेटअप किया हुआ माइनिंग कंप्यूटर है, वो कम से कम एक दिन में $5-6 तो ईज़िली कमा ही लेता है। डॉलर का बात कर रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का नहीं। और देखिए, और इसके भी अलावा और भी तरीके हैं, जैसे बहुत सारे PTC साइट हैं जिसमें आप बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं।
जहाँ से आप छोटा छोटा सा हिस्सा, आप छोटा 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 सा अमाउंट आप अर्न करके बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बिटकॉइन अकाउंट खोलना पड़ेगा और तभी आप उस पीटीसी साइट में बिटकॉइन अर्निंग, बिटकॉइन के कुछ पीटीसी साइट हैं तो जहाँ पे आप कुछ काम कीजिए और बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। ये मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी बहुत कुछ बताऊंगा बिटकॉइन से रिलेटेड, लेकिन बस आज मैं इतना ही बताऊंगा कि बिटकॉइन आखिर क्या है, इसका माइनिंग क्या है, तरीका क्या है, और आज इसकी इंडियन वैल्यू कितना है, ये सब मैंने आपको बताया। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, और भी मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ बिटकॉइन से संबंधित। तब तक लिए धन्यवाद मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए।